वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड कैंटो फर्स्ट चैप्टर सेवेंथ एंड एट्थ वर्स। That's the thing we had to read today. Yeah, second canto, first chapter, सातवा और आठवा श्लोक, दूसरा स्कंद भागवत। Okay, प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विदिश्ये ततः नैर्गुण्यस्थरमन्ति स्म गुणानुकथने हरे। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसमितं अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनाद अहम्। सो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, प्रायेण मुनयः राजन्। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी खुद, हम लोग खैर यहाँ पे इस्कॉन में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बट और संप्रदायों में उनको शुका महामुनि कहते हैं। वो महामुनि थे, ही वॉज मुनि। लोग चिंतन करते हैं बट महामुनि, मुनियों के मुनि होते हैं, वो हमेशा समाधि में रहते हैं, दे ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स ऑफ कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं मुनियों के बारे में। मुनि मतलब जो मनन करे, ऋषि मतलब जो देखे, है ना, मतलब मुनि मतलब फिलोसोफर, ऋषि मतलब साइंटिस्ट, एक एंगल में कह लो। जो स्पिरिचुअल साइंस पे रिसर्च करता है वो ऋषि है, जो फिलॉसफी बनाता है उनकी साइंस के पीछे वो मुनि है। सुखदेव मामा मुनि थे, तो वो अपना कंक्लूजन दे रहे हैं। प्रायेण मुनि और राजन, राजन मतलब परीक्षित महाराज, निवृत्ता विधि शेतथः, एक पॉइंट बता रहे हैं कि जितने भी मुनि होते हैं जो ऑलमोस्ट परफेक्ट हैं, विधि निवृत्ता विधि शेत था, विधि और निषेध, विधि निषेध होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। निवृत्ता मतलब वो नियमों के परे होते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी मुनियों मुनि का मतलब ले रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुके हैं, जो एडवांस डिवोटीज हैं, जो टॉप मोस्ट लिबरेटेड सोल्स हैं, वो लोग विधि निषेध के परे होते हैं, उनको रूल्स फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिला प्रभुपाद ने, प्रभुपाद एक बार कलकत्ता में थे, तो शिला प्रभुपाद किसी प्रोग्राम में जा रहे थे, तो मतलब ऐसी हाउस प्रोग्राम कोई होगा, तो प्रभुपाद जा रहे थे, तो कलकत्ता में उनका रहने की जगह नहीं थी, तो किसी गौड़िया मठ में रुके थे, उस टाइम तो इस्कॉन बना भी नहीं था। तो शिला प्रभुपाद जा रहे थे, तो वहाँ प्रभुपाद के तिलक नहीं लगा था, तो गौड़िया मठ का जो डिवोटी है उसने कहा, अरे आपके तिलक नहीं लगा। शिला प्रभुपाद ने कहा कि रूल्स तुम्हारे लिए हैं, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं परमहंस हूँ। सो हमारे लिए रूल्स होते हैं, विधि निषेध होते हैं, मगर उन लोगों के लिए रूल्स नहीं है। ऑल दो वो रूल्स फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में क्या लिखा है, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत् तद एव तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत अनुवर्तते। गीता में कृष्णा कह रहे हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठस, कि जो जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं, उनका बिहेवियर होता है, लोग वैसे ही फॉलो करते हैं, यानी नेचुरली जो लीडर्स होंगे सोसाइटी के वैसे ही लोग बन जाएंगे, वैसे ही फॉलो करेंगे। सो इसलिए वो लोग सारे रूल्स फॉलो करते हैं कि और लोग उसको फॉलो कर पाए। शिला प्रभुपाद खुद 16 राउंड्स डेली करते थे, ऑल दो प्रभुपाद को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद वैसे ही अब्जॉर्ब्ड है भगवान के थॉट्स में। हम तो चैंटिंग कर रहे हैं ना रिमेंबर करने के लिए भगवान को, प्रभुपाद पहले ही रिमेंबर कर रहे हैं। या महाप्रभु ने, हरिदास ठाकुर ने वाव ली थी कि मैं 300,000 नाम रोज़ करूँगा, महाप्रभु ने, जब हरिदास ठाकुर थोड़े बूढ़े हो गए, महाप्रभु ने कहा तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है नाम लेने की। तो हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं नहीं फिर भी मैं करूँगा, एंड ही वॉज डूइंग, कि जिससे वो एक प्रॉपर एग्जाम्पल सेट कर पाए। अब आपका शिला प्रभुपाद को कोई फोर रेगुलेट प्रिंसिपल्स फॉलो करने की ज़रूरत है,
नो मीडिएटिंग लॉ इज इट सेक्स, नो ये तो नॉनसेंस होगा. नहीं तो शिला प्रभुपाद को चार नियम पालन करने की ज़रूरत क्यों नहीं है जो हम हमारे हैं? अवैध स्त्री संग नहीं करना, मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीना और जुआ नहीं खेलना. क्यों करने की ज़रूरत नहीं है सब? क्योंकि शिला प्रभुपाद, क्योंकि शिला प्रभुपाद ऐसा कभी करेंगे ही नहीं. परम भक्त की बात नहीं है. ये नियम इसलिए फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रभुपाद ये सब चीज़ें करेंगे ही नहीं, समझ गए? और शिला प्रभुपाद को 16 माला करने की क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि 16 माला करने का पर्पस सॉल्व हो चुका है प्रभुपाद के केस में, है नहीं? कीर्तन से स्मरण होना है, प्रभुपाद को पहले स्मरण होना है. प्रभुपाद 16 माला के, प्रभुपाद तो 24 घंटे नाम ले रहे हैं अपने माइंड में. सो पॉइंट मेरा ये है कि जो महान भक्त होते हैं उनको नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो पहले ही सब कुछ अपने आप फॉलो कर रहे होते हैं. वो ऑटोमेटिकली उनके अपने आप हो जाते हैं, उनकी भक्ति, वो भक्ति में इतने एडवांस्ड होते हैं कि वो अपने आप ही सारी चीज़ें हो जाती हैं. तो आप कहो जैसे हमारे यहाँ नियम है कि भाई सुबह मंगल आरती में उठना है, वो हमारे लिए क्योंकि हम सोते रहते हैं, कभी भाना मारते हैं. शिला प्रभुपाद के लिए नहीं, क्योंकि प्रभुपाद तो नेचुरली अपने आप ही सुबह उठेंगे. सो उनके लिए नियम इसलिए नहीं है क्योंकि उनके लिए वो नियम नहीं है, उनके लिए जीवन का एक अंग है. जैसे बच्चों के लिए नियम है, देखो सुबह उठ के ब्रश करना है, बच्चे कहाँ करते हैं? फिर उसको मुँह खोल, तू ब्रश किया नहीं किया, करते हैं पूछते नहीं पूछते हैं. अब बड़ों के लिए नियम है ब्रश करना, वेल दे हैव टू ब्रश, बट वे पार्ट ऑफ लाइफ है. सो जो हमारे लिए नियम होते हैं वो उनके लिए जीवन का एक अंग बन जाता है. इसलिए कह रहे हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है, इसलिए नहीं कह रहे कि वो देखो वो महान गुरु हैं, उनको सुबह उठने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो महान है. यू सी, वो बात नहीं हो रही. लोग कहते हैं कई लोग कि भाई हम तो सीनियर हो गए, अब तो हमें मंगल सुबह उठने की ज़रूरत नहीं, मंगल आरती हमने कितने साल मंगल आरती उठ ली, अब तो विधि निषेध हमारे लिए है ही नहीं. अरे ढोंगी गुरु तो सारे ऐसे ही होते हैं, है नहीं? हाँ ये तो गुरु जी हैं, इनके लिए थोड़ा ना नियम है, नियम तो तुम्हारे लिए है, ये तो चाहे कुछ भी करें तो इनकी लीला है. और दैट्स अ वेरी बैड वे टू से थिंग्स. सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप वृंदावन जाओ, जो सहजिया लोग हैं, बाबा जी लोग हैं, वो नियम फॉलो नहीं करते कुछ नहीं, वो अपना बस राधे राधे चलते रहेंगे. नियम का है, नियम क्या होता है, हम तो स्टेज को पार कर गए. देखो लिखा है महान लोगों के लिए नियम नहीं है, वो एब्सोल्यूट नॉनसेंस है. क्लियर हो गया? सो उनके लिए नियम नहीं है, इसका मतलब है कि वो नियम उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए नियम नहीं है उनके लिए. बल्कि एक्चुअली उल्टा है, जो उनके लिए बहुत नॉर्मल है वो हमें नियम लगता है. उनके लिए नॉर्मल है सुबह जल्दी उठना, हमारे लिए नहीं है. तो फिर कहते हैं भैया सुबह देखो नियम बना लो, उठ जाओ. क्लियर हो गया? इसलिए कह रहे हैं कि प्राय नमुनियो राजन निवृत्त विधि निषेधतः, कि भी देखो मुनियों के लिए, महान लोगों के लिए विधि निषेध नियम वियम नहीं है. ये कोई पहले सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सुबह अपने आप उठ रहे हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि दो तरह की भक्ति होती है, एक वैदी भक्ति और एक रागनों का भक्ति या भाव भक्ति जैसे भी है. सो जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वैदी भक्ति मतलब जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम नियमों को पालन करते हैं अपराधों के डर से, ये फॉल डाउन के डर से, है नहीं? हम गिर जाएंगे, सुबह नहीं उठेंगे, चैंटिंग नहीं करेंगे तो फॉल डाउन हो जाएगा. और असली में हो भी जाता है फॉल डाउन, आप सुबह नहीं उठो, चैंटिंग नहीं करो तो गए आप काम से. सो हमारी प्रैक्टिस स्टेज में क्या होता है, नियम हमें, हम नियम फॉलो करते हैं क्योंकि हम फॉल डाउन हो जाएंगे, अपराध हो जाएंगे, तो हमें वो नियम लगते हैं. मगर एडवांस स्टेज में नियम फॉलो क्यों करते हैं? वो नियम फॉलो नहीं करते, नियम अपने आप होता है उनसे, वो होता है भगवान से राग की वजह से. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे लिए नियम है सुबह उठो मंगल आरती में, उनके लिए नियम नहीं है. क्यों?
हमारे लिए नियम इसलिए सुबह नहीं उठोगे तो भाई तुम्हारा माइंड तुम पागल हो जाओगे, चैंटिंग नहीं होगी, अच्छे से दिन शुरू नहीं होगा, फिर पूरे दिन तुम भूल जाओगे भगवान को। उनके लिए नियम नहीं है क्योंकि वो लोग अपने आप उठेंगे, उनको पता है कि भगवान सुबह से भी उठते हैं, उनकी आरती करनी, उनका कीर्तन करना है, कितना अच्छा लगेगा। दिस अ डिफरेंस। इसलिए शास्त्रों में लिखा है जब जब नियम लगने बंद हो जाए, इसका मतलब एडवांस कर गया। दैट्स हाउ इट वाज। तो लोग पूछते हैं हमें कैसे पता लगेगा हम एडवांस कर गए। जब नियम लगना बंद हो जाए तो आप एडवांस कर गए। शुरू में जैसे हम भक्ति में आए थे भी 16 माला करनी है, नियम है इसका उनका, ठीक है, हरे कृष्णा लगे पड़े हैं, रात को फिर नींद आ रही है फिर भी लगे पड़े हैं, गिर रहे हैं, कंप्लीट करनी है भैया, नियम है, शास्त्रों में दिया है। अब शास्त्रों में हम पढ़ भी रहे हैं, फिर अपने को कन्विंस करने के लिए कि 16 माला करने से ये हो जाता है, महान फल मिलता है, हाँ करनी है, 16 माला नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, तो करना है भैया। तो यू सी, मगर काफ़ी सालों बाद क्या है, 16 माला मतलब वो तो जैसे रोटी खा रहे हो ऐसे, मतलब कोई वो तो करना ही है, मतलब वो छोड़ कैसे सकते हैं 16 माला, क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब जैसे आप खाना नहीं छोड़ सकते ऐसे 16 माला वो नेचुरल हो जाता है, फिर तो मन करता है हम और भी करें। भगवान का नाम 16 पे क्यों रोक दें माला पे, हम तो 24 घंटे भगवान का नाम ले, अगर टाइम मिले, टाइम है, एनर्जी है, तो क्यों ना करें। यू सी द पॉइंट देयर। सो उस टाइम फिर 16 माला नियम लगता नहीं है। काफ़ी सालों के बाद आपको 16 माला नियम नहीं लगेगा, आपको लगेगा हाँ ठीक है, करना ही है मुझे, अच्छा ही है, भगवान का नाम जितना लो मुझे बहुत अच्छा है। 16 माला कम लगेगी, आप सोचोगे यार दिन 24 घंटे का 25 घंटे क्यों नहीं हो जाता, और ये नींद ही क्यों आ रही है, पागल हो गया हूँ मैं, ज़्यादा नाम ले लेता, मगर ऑफ कोर्स सोना पड़ रहा है, अब वो तो नहीं सोएंगे तो सर में दर्द है, ये है, हज़ार चीज़ें हैं। यू सी, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एडवांस डिवोटी है उनको नियम नहीं लगते, इसलिए कह रहे हैं उनको नियम पालन करने की ज़रूरत नहीं है। यू सी देयर इज़ अ डिफरेंस, है ना, डिफरेंस है। सो क्वेश्चन है उनको नियम क्यों नहीं लगते, इतने सालों बाद हमें 16 वाला नियम क्यों नहीं लग रहा। हमें चार नियम थोड़े ना लगते हैं। आप हमसे पूछो, देखो नियम फॉलो कर रहे हो आप, नो मेडिटिंग, नो इलिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, ये भैया ये तो सोच भी नहीं सकते सपने में, नियम क्या है, ये तो नॉर्मल है, ये तो इंसान को करना। अब तो ये स्थिति आ गई ना कि यार मीट कैसे खा लेंगे हम, ये तो नॉनसेंस आइडिया है, ये नियम क्या है, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा था कि एडवांस डिवोटीज के लिए नियम क्यों नहीं होते, क्यों उनको ऐसा नहीं लगता कि हम रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है तो करना ही है, ऐसा क्यों हो जाता है। नए डिवोटीज के केस में ऐसा पहाड़ क्यों होता है इतना बड़ा नियम फॉलो करना, नए डिवोटीज के केस में ऐसा क्यों है। नए डिवोटीज कहते हैं, हम कहते हैं 16 माला यार अभी तो 8 ही हो रही है, अभी 4 ही हो रही है, क्या करें। या जो डिवोटीज हैं जो इनिशिएट हो जाते हैं, 16 राउंड्स के कैसे चल रहा है प्रभु जी, बस मर मर के ख़त्म हो जाते हैं, किसी तरह कर लेते हैं, ऐसा क्यों लग रहा है उनको, ऐसा उनको बर्डन क्यों लग रहा है, और कुछ डिवोटीज को नॉर्मल लग रहा है, 24 घंटे सबके पास है। ऐसा नहीं है कि आपके पास, हमारे पास 28 घंटे, आपके पास 24 घंटे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कहे प्रभु जी आप तो खाली बैठे रहते हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि और भी गृहस्थ डिवोटीज हैं। हम उसे क्यों पूछ रहे हो, और भी गृहस्थ डिवोटीज है 15-20 साल से, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी काम कर रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो सारे डिवोटीज जिसके बच्चे नहीं है वो ऐसा नहीं है, बच्चे हैं, जॉब है, घर है, फैमिली है, सोसाइटी है, बट सेम है, मगर उनके लिए नॉर्मल हो गया और कुछ डिवोटीज के लिए पहाड़ है, ऐसा क्यों है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर पता लगा लिया तो आपसे भी हो जाएगा, वरना आप एक्सक्यूज देते रहोगे प्रभु जी टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हज़ार प्रॉब्लम है। हज़ार प्रॉब्लम तो सबको है। हमारे यहाँ एक डिवोटी है, इस कौन में, अम्बरीश प्रभु, हेनरी फोर्ड, फोर्ड के बेटे हैं, अल्फ्रेड फोर्ड उनके बेटे,
तो ही इज़ अ मतलब बिग बिजनेस मैन, नहीं फोर्ड कंपनी, एंड करते हैं अपनी वो रोज़ मंगल आरती में पुजारी सेवा करते हैं रोज़ सुबह वसु टेम्पल एंड इज डूइंग पुजारी सेवा रोज 16 राउंड्स रीडिंग क्लास देना एंड इज़ अ बिजनेस मैन. अब उनसे पूछो अभी 16, वो कहेंगे यार ये तो करना ही है. ही इज़ बीन देयर इन मोमेंट 30 साल से, उससे ज़्यादा बिजी तो आप हो नहीं सकते, क्वेश्चन ही नहीं है. सो वो कैसे कर रहे हैं, हम कैसे नहीं कर रहे, दैट्स द होल आइडिया. पॉइंट उनके लिए कैसे नॉर्मल हो गया, तो यहाँ पे उदाहरण, यहाँ पे एग्जांपल दे रहे, सॉरी लॉजिक दे रहे हैं. नैर्गुण्यस्थ रमन्ते स्म, वो कह रहे हैं कि एडवांस डिवोटी के लिए नियम पहाड़ नहीं लगते उनको. क्यों नैर्गुण्यस्थ, क्योंकि वो लोग भक्ति करते 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 तीन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि वो अपने माइंड से डिस्टर्ब नहीं हो रहे. ऐसा नहीं है आपके पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, या आप बहुत बिजी हुए, आपका माइंड पागल है इसलिए नहीं कर पा रहे. जैसे ये होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं, कहते हैं कि मैं मुझसे मतलब अब पेरेंट्स कहते हैं पढ़ लो, कहते नहीं पढ़ा नहीं जा रहा मेरे को, अभी ये काम है वो काम है, यू नो हाइपर बच्चे नहीं होते, ये काम है कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है कुछ, मम्मी कहते पढ़ ले भाई मन लगा ले अपना, यही कहते हैं ना. बच्चा बहाना मार रहा है, मैं कहते सब बहाना वहाना छोड़, तेरा माइंड ही पागल हो चुका है, चुपचाप बैठ के पढ़ ले, यही कहते हैं ना. बच्चा बहाना मारता है अपना. सो ऐसे ही हम लोग शायद बहाने मार रहे हैं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है. निर्गुण्यस्थ, हमारा माइंड डिस्टर्ब्ड है बहुत बड़ा. इसलिए जैसे मान लीजिए ये जो होते हैं ना क्या कहते हैं, डिसिप्लिन इज की टू सक्सेस, सुना है? तो कई लोग कहते हैं टाइम नहीं टाइम नहीं टाइम नहीं, फिर उसके कोच के पास जाते हैं. कोच नहीं होते कुछ लाइफ कोचेस, तो लाइफ कोच क्या सिखाता है उसको, उसका 30 घंटे कर देता है दिन का, या लाइफ कोच क्या कहता है, तू अपनी वाइफ छोड़ दे, वाइफ चेंज कर ले, तू बच्चे छोड़ दे, तो उस प्रॉब्लम सॉल्व. सेम सिचुएशन रहती है, मगर लाइफ कोच क्या सिखा रहा है उसको, हाँ मैनेजमेंट ऑफ टाइम डिसिप्लिन, तो उसके पास उसी सिचुएशन में ज़्यादा टाइम निकल आता है, यही है ना. अब वो मैनेजमेंट ऑफ टाइम सिखा रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो उसके माइंड को ट्रेन कर रहा है और थोड़ा पागलपन उसका कम कर रहा है, जो डिस्ट्रैक्टेड है, जो कभी भी कुछ भी करता जा रहा है. बस वही बात है, हमारा माइंड डिस्टर्ब्ड है, इसलिए हमें नियम बहुत बड़े एक भार लग रहा है. वरना नियम तो ऐसे पानी पीने के समान है. कभी आपने सोचा जीवन में पानी पीना पड़ेगा यार, बड़ी प्रॉब्लम है, कभी कभी सोचा है? कभी कोई आप किसी के पास जाओ, यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? यार पानी पीना पड़ रहा है, याद करना पड़ रहा है कब पानी पी, हमने अलार्म लगाया हुआ है इस वक्त 6 बजे पानी पीने, 2 बजे. ऐसा नहीं होता, प्यास लगती है पी लेते हैं, एंड नोबडी थिंक्स अबाउट दैट. सो मगर डिवोशन क्या रहे, सोचना पड़ रहा है, क्योंकि हम पागल हो चुके हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब है, डिस्ट्रैक्टेड है, 1000 चीज़ें सोचते रहते हैं, फालतू की चीज़ सोचते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और फालतू की टेंशन लेते हैं जिसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीज़ों में उलझे हुए हैं. इसको कहते हैं नैर्गुण्यस्थ, गुणों में उलझे, मतलब बेकार की इच्छाओं में, बेकार की टेंशन में, बेकार की प्रॉब्लम में हमने अपना माइंड उलझा रखा है. आप चाहो तो उससे निकल सकते हो, आपको उलझनों ने नहीं पकड़ा है, आपने उलझनों को पकड़ा हुआ है, और पागल होते जा रहे हो, और दूसरों को पागल कर रहे हो, और भगवान को भी पागल कर रहे हो, और भक्ति सही से नहीं कर रहे, बस ये अल्टीमेटली है और कुछ नहीं. और हमारे पास आके रोते रहते, प्रभु जी ये नहीं हो रहे, ये हम क्या करें भाई, तो तुझे अपना पागलपन ठीक करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं. उसको कहते हैं निर्गुण्यस्थ. सो एडवांस डिवोटीज अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, मेंटल एनर्जी जो ज़रूरी है वो करते हैं, जो ज़रूरी है वो सोचते हैं, जो टाइम है उस टाइम पर करते हैं, तो उनका टाइम भी बचता है, और इसलिए वो आराम से भक्ति कर पाते हैं. निर्गुण्यस्थ रमन्ते स्म. और दूसरा है कि जो एडवांस डिवोटी, उनको मज़ा आ रहा होता है भक्ति करने में.
जब किसी चीज़ में मज़ा आता है ना तो बर्डन नज़र नहीं आता है ना। जैसे जैसे ऐसे मैथमेटिक्स सबको लगती है ना, लगती है, लगती है मैथ, मैथ पढ़ी है ना आप लोगों ने, सबको पहाड़ लगता है, स्पेशली जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लॉग आया, ये क्या चल रहा है, इतने बड़े बड़े साइन, लोग डर जाते हैं मैथमेटिक्स से। तो बहुत लोग मैथमेटिक्स नहीं करते, रट रट टूट के फार्मूला बस चलो भी निकालो इसको, मतलब ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है ना, मैथ से सब डरते हैं। सो बट जिसको मज़ा आने लगा मैथ्स करने में, उसके लिए तो टिप्स पे है नहीं, उसको फिर मज़ा, उसको फिर बर्डन नहीं लगेगा, वो कहेगा यार मैं तो करूँगा मैथमेटिक्स, बाकी लोग दूर भाग रहे हैं, करना पड़ रहा है मार्क्स के लिए, दूसरा बंदा कह रहा है मुझे तो मज़ा आ रहा है, मेरे को क्या है, मैं तो 24 घंटे बैठ के कर लूँ। सो दैट्स अ पॉइंट, रमनते मतलब मज़ा आना, जब आपको चैंटिंग में भगवान के बारे पढ़ने में इन्जॉयमेंट आएगी, अट्रैक्शन होगी भगवान से, तो आपको नियम नियम नहीं लगेगा, दैट्स ऑल। एक बार आपको मंगल आरती का मज़ा लग गया तो आप सो ही नहीं सकते उस टाइम, आप सो ही नहीं सकते, आपको आपको पता लग गया सुबह उठ के जो भगवान की आरती में जो आनंद है वो तो फिर पूरे दिन मिस ही हो जाएगा मेरा उल्लू है भाई, तो आप अपने आप उठोगे सुबह, और आपने अगर वो मज़ा नहीं चखा तो फिर 10 बार बोलना पड़ेगा उठ लो भैया, किसी को बोल दो, अलार्म लगा लो, कुछ कर लो, देयर इज़ अ डिफरेंस नहीं। सो दो चीज़ें एडवांस डिवोटीज़ के पास, दो चीज़ें एडवांस डिवोटीज़ के पास, ज़्यादा टाइम नहीं होता, टाइम उतना ही है, ऐसा नहीं है कम प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी उतनी है, और ऐसा नहीं है कि ऊपर से उतर के आए वो भी आपकी तरह ही है, तो दो अंतर है, निर्गुण्यस्थ और रमन या रमनते स्म, दो चीज़ें हैं, भगवान की भक्ति में और नियम पालन करने में आनंद आ रहा है उनको, और दूसरा है कि फालतू की चीज़ों में वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, और फालतू के विचारों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, उसमें मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है, 1000 उटपटांग सोचने में माइंड थक जाएगा, फिर चैंटिंग करोगे फिर क्या लगेगा माइंड, फिर क्या लगने वाला है। सो निर्गुणेश रमनते च गुणानु कथने हरे, और इस तरह से वो हमेशा भगवान का गुण गाते रहते हैं। सो ये डिफरेंस है एक नए डिवोटी और एक एडवांस डिवोटी, क्लियर हो गया। सो सारे बात की एक बात है कि मैं नेक्स्ट श्लोक में भी जाऊंगा, मगर सारे बात की बात एक बात है कि एडवांस डिवोटी और नए डिवोटी में क्या फ़र्क है, नए डिवोटी को नियम पहाड़ लगता है, भोज लगते हैं, उसको नियम नियम लगते हैं, एक एडवांस डिवोटी को क्या है नियम, नियम नियम नहीं लगते, उनके लाइफ का एक पार्टी है, उनको पानी पीने के समान है। तो एडवांस डिवोटी को नियम नियम क्यों नहीं लग रहे, क्योंकि दो चीज़ें नहीं, क्योंकि निर्गुण्यस्थ, क्योंकि वो उनका माइंड डिस्टर्ब नहीं है फालतू चीज़ों से, और दूसरा कि उनको भगवान की भक्ति में और नियम फॉलो करने में मज़ा आ रहा है, इसलिए वो करते रहते हैं। दैट्स ओके, सो नाइस, ओके। अब नेक्स्ट श्लोक में सुखदेव गोस्वामी एक पॉइंट ला रहे हैं, अब एक क्वेश्चन बहुत बड़ा उठा कि हम एडवांस डिवोटी बने कैसे, बस ये क्वेश्चन आ गया। नहीं ठीक है, चलो आपने बताया एडवांस डिवोटी के लिए नॉर्मल हो गया, सब अच्छा चल रहा है, उनको मज़ा आ रहा है, उनका माइंड डिस्टर्ब नहीं है, मगर करें कैसे, पहुँचे कैसे यहाँ पर, अभी तो डिस्टर्ब है माइंड, अभी तो फालतू की चीज़ें सोचते जा रहे हैं, जो चीज़ बहुत क्लियर है उसको हमने पहाड़ बना रखा है, बहुत सिंपल जो चीज़ है उसको हमने इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा है अपने माइंड के अंदर। सो और अभी आकर्षण तो है नहीं भगवान के नाम में, या ऐसा कोई मज़ा भी नहीं आ रहा हमें कोई, कि हम उछल रहे हैं और पार्टी बना रहे हैं कि आज सोला माला करनी है, मज़ा आ गया, पार्टी थ्रो करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये नॉट तो पहुँचे यहाँ पर कैसे, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट श्लोक में दे रहे हैं। इदम भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म समितम, उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं कि इदम भागवतम नामा, कि ये जो भागवत शास्त्र है, भागवत नामी रूपी पुराण है,
ये जो पुराण है जिसका नाम भागवत है, एकदम मतलब ये, इसको पढ़ो। सब कुछ पॉसिबल अगर हम भागवतम पढ़ें, वेद और गीता। लिखने के बाद व्यासदेव फिर भी अब दुखी थे अंदर, गीता महाभारत का पाठ है, फिर भी व्यासदेव दुखी थे कि कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है। भागवतम लिखने के बाद संतुष्टि मिली, क्यों? क्योंकि देवर्षि नारद ने कहा देखो भाई ऐसा है कि वेद और गीता में रस तो है, मगर वहाँ से तुम रस निकाल नहीं पाओगे, साधारण लोग वहाँ से रस नहीं निकाल सकते, क्योंकि रस कहाँ से निकलता है? फल से। सो वेद और गीता तो पेड़ और टहनियों के समान है, भागवतम क्या है? गलितम फलम। तो अगर मैंगो का टेस्ट चाहिए तो मैंगो फ्रूट खाना पड़ेगा, मैंगो की टहनी चबाओगे तो क्या लगेगा, मीठा लगेगा, कड़वा? हाँ कड़वा ही लगेगा आप, मगर टेस्ट, रस तो वहीं से जा रहा है, रूट से, स्टेम से, ब्रांच से, फ्रूट। आपको ठीक है मैं ब्रांच खा लूँ? नहीं, आप नहीं निकाल सकते, कड़वा ही लगेगा, है ना। सो और रस नहीं मिलेगा आत्मा को तो कमज़ोर हो जाएगी। जब हम खाना खाते हैं तो खाना जब डाइजेस्ट होता है तो 7 धातुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं, और पहली धातु होती है रस। पहले खाना अंदर जाकर रस में कन्वर्ट होता है, फिर रस बॉडी लेती है और उससे नरिशमेंट मिलती है, नहीं सारे चीज़ों में रस होता है ना, वो बॉडी निकाल लेती है। ऐसे जब हमें आत्मा का रस मिलेगा तो आत्मा स्ट्रांग होगी, वो कहाँ से, और जब स्ट्रांग होगी आत्मा तब हमारा माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब होना बंद हो जाएगा और हम भगवान की भक्ति में मज़ा आने लगेगा। तो रस चाहिए ना, रस मिलेगा कहाँ से? इदम भागवतम नाम, भागवत पढ़ो डेली, गीता डेली पढ़नी चाहिए, ऑफकोर्स पढ़नी चाहिए, जिसने नहीं पढ़ी उसको तो पहले गीता ही पढ़नी चाहिए, बट गीता से आप रस निकाल नहीं पाओगे। भागवतम में रस निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको बना बनाया दे दिया, अभी पी लो आप, चलो टॉनिक नहीं होते ऐसे, हेल्थ टॉनिक्स नहीं होते, ये हेल्थ टॉनिक है, पी लो अपने को स्ट्रांग कर लो। सो यू कैन रिलिश भागवतम। ब्रह्म समितम, भागवत क्या है? यही ब्रह्म समितम शिला प्रभा एक्सप्लेन कर रहे हैं, भागवत भगवान का ही एक रूप है शब्दों में। भगवान में जो जितना, भगवान की भक्ति में जो भी रस है, भगवान में जो भी रस है उसको निकाल के और उसको एक बुक का फॉर्म दे दो तो वो भागवत है, बस। तो जो डेली भागवत पढ़ता है उसकी आत्मा कभी भी वीक नहीं होगी, वो एक प्रैक्टिस बनानी है हमें। एटलीस्ट आप 2 श्लोक पढ़ लो, उसे पढ़ना नहीं, उस पर मेडिटेट करो। तभी तो कह रहे हैं कि प्रायण मुनियो, मुनि मुनि बनना पड़ेगा हमें, मुनि मतलब या मनन, मनन करो भागवत में क्या लिखा है और फिर उसको हम रिलिश कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना आता तो डिवोटीज के साथ बैठ के डिस्कस करो, ओके गुड भागवत में ऐसा लिखा है, और उसको भगवान से कनेक्ट करो तो टेस्ट आएगा। इदम भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म समितम। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा भागवतम में, आप सिर्फ पढ़ो ही तब भी आपको रस आ जाएगा, भागवतम की पोटेंसी है ये। ऑफकोर्स भक्तों के साथ डिवोटीज तो हो ही, बार बार पढ़ने से भी टेस्ट आता है। हो सकता है पहली बार आपको कुछ समझ ना आए, बार 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 करते रहोगे, चंदन को बार बार घिसते घिसते ही खुशबू आ जाती है। सो पुराणम ब्रह्म समितम, एक्चुअली बार बार पढ़ने से टेस्ट आता भी है। वैसे पता है क्या है, जैसे लोग शराब पीते हैं, विस्की पीते हैं या बियर पीते हैं, आप लोगों ने पी होगी है ना, तो शुरू में नहीं आता टेस्ट, उसमें तो कड़वी लगती है, मगर धीरे 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 उसमें टेस्ट आने लगता है। कहोगे ऐसा क्या टेस्ट है, वो तो कड़वी है, बट नहीं, जो पीता है उसको टेस्ट आ रहा है, वो टेस्ट आ रहा है। आप कॉफ़ी पियो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर एयरपोर्ट्स पे, बहुत कड़वी सी लगेगी कॉफ़ी, मतलब हमें इंडियंस को, मगर बाहर के लोग तो कॉफ़ी पीते, चाय तो पीते ही नहीं, मगर चाय है ही नहीं, चाय तो इंडिया में है, हमसे नहीं भी आती, बहुत स्ट्रांग होती है इंडियंस से, मगर जो लोग बाहर रहते हैं उनकी हैबिट पड़ जाती है कॉफ़ी पीने की, उनको वहाँ पर टेस्ट आने लगता है। सो कभी कभी बार बार चीज़ करने से भी ना उसमें टेस्ट आ जाता है। सो भागवतम में टेस्ट है, मगर बार बार आप पढ़ोगे तो टेस्ट आ जाएगा उसमें। ब्रह्म समेतम,
अधितमान द्वापर आदव, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब द्वापर एंड हो गया तो मैंने व्यासदेव से भागवतम पढ़ी, व्यासदेव उनके फादर हैं, पितुर मतलब पिता, द्वयपायन मतलब व्यासदेव का नाम क्या है, द्वयपायन क्यों, क्यों नाम है द्वयपायन, व्यासदेव जी का नाम द्वयपायन क्यों है, नहीं पता? वेल इसलिए क्योंकि वो द्वीप पे पैदा हुए थे, आइलैंड पे हुए थे ना, पराशर मुनि सत्यवती मतलब पानी के बीच में ना, तो पानी के बीच में आइलैंड ही होता है, चाहे वो बोट हो चाहे कुछ भी हो, तो इसलिए उनको द्वयपायन कहते हैं। द्वयपायन, द्वयपायनात अहम, उनसे मैंने भागवतम सीखी। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जब से मैंने भागवतम पढ़ी है मैं मोस्टली समाधि में ही रहता हूँ, अब मुझे पता भी नहीं कि संसार में क्या चल रहा है। वो तो परीक्षित, तुम्हें पास 7 दिन में तुम्हें भागवतम बताने आया हूँ, और वो मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे प्रेरित किया मेरे हृदय में, वरना सुखदेव गोस्वामी को ढूंढना ही मुश्किल था, वो तो जंगल में घूमते रहते थे, किसी को पता भी नहीं था कहाँ, वो तो परीक्षित महाराज के बाद खुद आ गए, भगवान ने प्रेरणा दी जाके पर भागवतम बोलो कि इसे संसार में भागवत प्रकट हो, और इस कलयुग के लोग जो कि रसहीन है, जिनकी आत्मा सूखी हुई है, मन सूखा हुआ है, उनको अगर रस मिलेगा तो वो बहुत आसानी से आपको प्राप्त कर लेंगे और अपने अनर्थों को बहुत आसानी से विजय कर लेंगे, और उनके लिए भी भक्ति एक जीवन का एक अंग बन जाएगी, आपको प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद ख़त्म हो गया, दैट्स ऑल। ओके, सो आई थिंक आई एंड ऑफ हियर, एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू आस्क, हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय। इस यहाँ पे आपके पास कोई क्वेश्चंस है, विष्णु आगे आना पड़ेगा आपको। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो हरिला प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी, आपने श्लोकों की तो व्याख्या किया लेकिन थोड़ा सा कुछ पॉइंट प्रभुपाद के परपोट से थोड़ा समझाए तभी, टाइम तो है प्रभु जी, तो मैं ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लो। सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं फिर। हरि बोल, हरे कृष्ण। हैं वो तो हो ठीक है। ओके, सो जी कोई हैंड रेस है नहीं तो जैसा कि अहिला बुक्स ने बताया थोड़ा, एक मिनट, यहाँ पे डिवोटीज के क्वेश्चन है, यहाँ पे भी डिवोटीज बैठे हैं, सो आई कैन टेक दिस क्वेश्चंस इफ यू हैव, अदरवाइज आई कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम, अदरवाइज मैं कंटिन्यू कर दूंगा, बट देर आर मैनी थिंग्स। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं आगे बस जी वाले, जैसे प्रभुपाद जी थे तो उन्होंने टेम्पल वगैरह बनाया, तो उनको जब स्ट्रेस होता था तो वो अपना, उनको प्रॉब्लम ही होती थी सब मैनेज। श्रील प्रभुपाद ने टेम्पल्स बनाए तो स्ट्रेस होता था तो प्रॉब्लम्स की, मतलब जैसे प्रॉब्लम इतने सारे मैनेज करना और ये सब करना, तो मतलब वो कैसे करते हो? एक्चुअली क्या है कि ये क्वेश्चन अच्छा भी है क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने, मतलब प्रभुपाद तो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट चला रहे थे और मैनेजमेंट करना मुश्किल है। एक्चुअली एक डिवोटी थे, एक डिवोटी मैं बता रहा था, प्रभुपाद डिसाइपल महात्मा दास, तो वो अपनी मेमोरी बता रहे थे कि जब वो प्रभुपाद के सेक्रेटरी बनने वाले थे, सर्वेंट, तो उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद मैनेज कैसे करते हैं इस्कॉन, उनको बड़ी वो जिज्ञासा थी क्योंकि इतने सारे सेंटर चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उनके माइंड में पिक्चर थी कि प्रभुपाद के पास डेस्क होगी, उसमें 4-5 फ़ोन होंगे और फिर डायरीज होंगी, प्रभुपाद कहीं फ़ोन उठा रहे हैं, हरे हरे कृष्णा क्या हो रहा है, फिर वो फ़ोन कर रहे हैं, हरे कृष्णा क्या हो रहा है, वहाँ ऐसा कर दो, वहाँ ऐसा कर दो, यू नो ऐसी कंपनी से तो ऐसी होता है, बॉस यही कर रहा होता है, यहाँ तो इंटरनेशनल सोसाइटी है। तो मगर जब प्रभुपाद के सर्वेंट बने तो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, प्रभुपाद हमेशा कृष्ण की बात कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, एक भी फ़ोन नहीं है प्रभुपाद के पास, और कभी प्रभुपाद बात ही नहीं कर रहे कि यहाँ पे मैनेजमेंट कर लो, वहाँ ऐसा कर लो,
प्रभुपाद हमेशा कृष्ण की प्रीचिंग कर रहे हैं, जो भी आ रहा है कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, गीता के बारे में बता रहे हैं, बस ये चल रहा है। तो वो सोचते थे मैनेजमेंट हो कैसे रहा है, फिर कर कौन रहा है अगर प्रभुपाद नहीं कर रहे। सो उनको थोड़ा टाइम लगा ये समझने में कि प्रभुपाद का मैनेजमेंट स्टाइल बिल्कुल अलग था, और लोगों का नॉर्मल लोगों का मैनेजमेंट स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। प्रभुपाद का मैनेजमेंट स्टाइल था कि प्रभुपाद हमेशा प्रिंसिपल्स देते थे और बोलते थे डिटेल्स खुद भर लो। प्रभुपाद सिस्टम में नहीं जाते थे, सिस्टम के पीछे क्यों बनाया सिस्टम वो बताते थे। अब सिस्टम आप खुद बना लो, है ना। प्रभुपाद ऐसे करते थे कि भी आप वो प्रीचिंग कर रहे हैं, वो टेंपल का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो प्रभुपाद कहते थे ठीक है टेंपल मैनेजमेंट देखो कैसे करना है, मगर ये भी ध्यान रखना कि एज अ टेंपल मैनेजर तुम्हें सारे नियम फॉलो करने चाहिए, एंड ऑलवेज स्पीक अबाउट कृष्णा, और अपने इस तरह मैनेजमेंट हो कि सब लोग भगवान की भक्ति में एंगेज रहें, दैट्स ऑल। सो प्रभुपाद जो थे इतना सब कुछ करते हुए भी डिस्टर्ब नहीं थे। प्रभुपाद के ऐसा नहीं न्यूज़ बहुत सारी आ रही थी, ऐसा नहीं कि प्रभु को पता नहीं लग रहा था। मतलब बिजार अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी पूरे वर्ल्ड में, मतलब अफ्रीका में इन लोगों ने जो मिलिट्री वाले थे उन्होंने इस्कॉन डिवोटीज को लाइन में खड़े हुए सबको गोली मार दी। जर्मनी में पुलिस वाले आए और उन्होंने सारे डिवोटीज को अरेस्ट कर लिया और डिवोटीज को टॉर्चर किया। रशिया में तो पकड़ के टॉर्चर ही कर रहे थे, उन्हें इलेक्ट्रिक करंट लगा रहे थे और पता नहीं क्या क्या, जेल में भेज दिया उनको और उनको मेडिसिन नहीं दे रहे, बीमार पड़े हैं। और जुहू मंदिर तो आपको पता ही है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है। मायापुर में बॉम्ब फूट गए, उन्होंने मंदिर में बॉम्ब फूट दिया मुस्लिमों ने, वहाँ पर ये चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी पूरे वर्ल्ड में, बट प्रभुपाद बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे थे। प्रभुपाद खाली नहीं बैठे, वहाँ इतना सब कुछ चल रहा है, हमारी लाइफ में तो कुछ भी नहीं हो रहा, और प्रभुपाद डिस्टर्ब क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि शिला प्रभुपाद नैर्गुण्यस्थस रमन्ते स्म, शिला प्रभुपाद को पता था कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कृष्णा। प्रभुपाद कन्विंस थे कि जो भी हम भगवान पर निर्भर हैं, जो भगवान करेंगे बेस्ट करेंगे और भगवान सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकालेंगे, इसलिए प्रभुपाद को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हम लोग डिस्टर्ब इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग सोचते हैं मैं सॉल्व कर लूँगा सिचुएशंस, अंतर यही है और कुछ नहीं है। मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी और फिर हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। प्रभुपाद भी स्ट्रैटेजीज प्रभुपाद भी बताते थे ऐसे करना है, लेटर्स में लिखते थे, वो कहते थे तुम बेस्ट ट्राई करो भगवान पर छोड़ दो। हम लोग बेस्ट ट्राई करते हैं भगवान पर नहीं छोड़ते, सोचते रहते हैं हाँ अब ये करें वो करें वो करें, ये क्या आप अपना प्लान बनाओ ट्राई करो छोड़ दो, फिर देखा जाएगा और क्या होगा, है नहीं, और जो होगा मंजूर है बस। That's all. तो फर्क है। प्रभुपाद तभी प्रभुपाद ने लेटर में लिखा कि द ट्रिक टू डू मैनेजमेंट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन कृष्णा। अब चाहे अपनी लाइफ मैनेज कर रहे हो चाहे टेंपल मैनेजमेंट कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं होगी, अगर आप अपने हाथ में ले लोगे चीज़ें तो टेंशन ही टेंशन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्राई ना करें सब कुछ छोड़ दें, वो भी पागल बनती है। इसलिए प्रभुपाद का फॉर्मूला अच्छा है, गिव योर बेस्ट ट्राई एंड देन लीव इट। कुछ लोग ट्राई नहीं करते पहले ही छोड़ देते हैं, कुछ लोग ट्राई करते रहते हैं छोड़ते ही नहीं, हम करते ही रहेंगे, वो दोनों ही बकवास चीज़ें हैं। सो प्रभुपाद इसलिए प्रभुपाद एब्जॉर्ब थे कृष्ण कॉन्शियस, प्रभुपाद एक्चुअली एब्जॉर्ब थे कृष्ण कॉन्शियस, इसलिए वो भगवान पर छोड़ भी पा रहे थे। ऑर्डिनरी आदमी छोड़ नहीं पाता, नहीं उसका माइंड चलता रहता है, मतलब छोड़ना भी मुश्किल है ना माइंड से, वो जब तक आप सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे जब तक वो कुछ होगा नहीं वहाँ पे, तब तक सोचते ही रहोगे अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दे दिया फिर उसका अब रिजल्ट क्या आएगा क्या आएगा, नहीं यही होता है ना, क्या आएगा पूरे बवाल पूरे, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक वो पागल हो गया बंदा। बट एक डिवोटी पढ़ लिया एग्ज़ाम दे दिया बेस्ट कर दिया फिर ठीक है भगवान देखेंगे, पास होंगे होंगे फेल होंगे जो कृष्ण की इच्छा होगी वो ठीक है, हमने तो बेस्ट कर दिया, खत्म। ये बहुत बड़ी ट्रिक है। तो प्रभु जी भक्ति में तो जैसे हम लोग प्रयास करते रहते हैं ना,
कि मतलब ऐसे नियम फॉलो करने का और माला अच्छे से करने का, उसमें मतलब प्रयास के बारे में अगर हम सोचते रहे, प्लान करते रहे, दैट इज गुड। भक्ति में तो हम प्रयास करते रहते हैं और हम प्रयास करते हैं, मगर प्रयास करने के बाद हम भगवान पे भी छोड़ते हैं। दैट्स व्हाट वी डू। भगवान पे नहीं छोड़ेंगे तो टेंशन होती रहेगी। मतलब उसमें भी मतलब छोड़ना चाहिए, जैसे छोड़ना ही चाहिए। आपको आपको पंडाल प्रोग्राम करना है तो पंडाल के लिए बेस्ट ट्राई करो और प्रोग्राम करो, और फिर उसके बाद प्रोग्राम सक्सेस होगा फेलियर होगा भगवान पे छोड़ दो। फिर थोड़ी ना सोचते रहना है सक्सेस होगा क्या होगा यार, अब कितने लोग आएंगे, कैसे होगा, सफल होगा नहीं होगा, पागल हो गए, व्हाट्स द पॉइंट, अगर पॉइंट नहीं है, दैट्स ऑल। अब बीमार हो, आपने दवाई ले ली, दवाई ले ली, डॉक्टर के पास चले गए, ट्रीटमेंट कर लिया, अब ये थोड़ी ना सोचता रहेगा कि अब मैं सही होऊंगा नहीं होऊंगा, हाय क्या होगा, अब क्या होगा, मैं सही नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, सही हो गए तो फिर ये करूँगा वो। आपने ट्रीटमेंट ले लिया, छोड़ दो, भगवान देखेंगे जो भी होगा फिर, तो जो वो लेट्स सी व्हाट गोइंग टू हैपन, तरीका ये है। सो वो छोड़ तब पाएंगे जब हमारे पास ठीक नॉलेज होगी और एसोसिएशन होगी और भगवान का नाम ले रहे होंगे। नाम नहीं लेंगे तो नहीं छोड़ सकते, माइंड चलता रहेगा। मैं कितने डिवोटीज आते हैं, प्रभु जी हम क्या करें, तो मैं बोलता हूँ छोड़ दो सोचना, सो ही तो नहीं हो रहा, माइंड चलता जा रहा है चलता जा रहा है, हम पागल हो गए, माइंड रोक नहीं पा रहे, दैट्स अ होल प्रॉब्लम देयर। इसलिए जो चैंटिंग सही से करेगा और भागवतम रोज़ पढ़ेगा तो वो छोड़ने की कैपेसिटी आ जाएगी। अभी तो हम चिपके रहते हैं ना चीज़ों से, छोड़ नहीं पाते, लोगों से, आइडियाज़ को, छोड़ने की पावर आ जाएगी। फिर हम करेंगे छोड़ देंगे, करेंगे छोड़ देंगे, करेंगे छोड़ देंगे। श्री प्रभुपाद ने ये बोला था कि प्रभुपाद कह रहे थे प्रीचिंग इज एन एक्सपेरिमेंट। हम प्रचार कर रहे हैं कितना कुछ, प्रभुपाद पूरे वर्ल्ड में कर रहे थे, बट प्रभुपाद कह रहे थे ठीक है। प्रभुपाद ने कहा कि अगर मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, अगर सक्सेसफुल भी नहीं हुआ तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं अपने वृंदावन में आके अपना भजन करूँगा। प्रभुपाद ने नहीं सोचा मैं जा रहा हूँ और सक्सेस मिलनी चाहिए और होना ही है। प्रभुपाद ने कहा मैंने बेस्ट ट्राई किया, अब मैंने कृष्ण पे छोड़ा है, नहीं हुआ तो मैं जाके अपना भजन करूँगा। प्रभुपाद इस आउटलुक से चल रहे थे, लेट कृष्णा डिसाइड क्या होगा। प्रभुपाद ने कहा कि अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अगर कृष्ण की इच्छा है तो मैं यहाँ पर प्रचार करते करते मर जाऊँगा। श्रील प्रभुपाद ने जो शॉप खोली थी मैचलेस गिफ्ट दुकान, प्रभुपाद ने खुद ने कहा था कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि हमारा मूवमेंट इस दुकान से बाहर निकल जाएगा। प्रभुपाद ने कहा मुझे तो लग रहा था कि इसी दुकान में 10 लोग आएंगे 20 लोग और प्रीचिंग करते करते मैं मर जाऊँगा बस। प्रभुपाद ने कहा मगर आज पूरे दुनिया में फैल गया। प्रभुपाद ने कहा दिस कृष्णास मर्सी। प्रभुपाद ने छोड़ा हुआ था भगवान। प्रभु जी कुछ डिवोटीज के प्रश्न है, हाँ तो हम ले सकते हैं। थैंक यू। हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। सो पहले मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ, जो आपने प्रभुपाद के मैनेजमेंट के बारे में बताया, तो प्रभुपाद कहते थे कि हमने आइडिया लिया है, हाँ हाँ सेव करना है, हाँ 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 राइट राइट राइट। और हमारा एक जिज्ञासा ये है प्रभु जी कि श्रील प्रभुपाद प्रॉपर्टी लिखते हैं कि भगवत गीता साउंड इनकार्नेशन है और भागवतम साउंड रिप्रेजेंटेटिव है, तो वैसे तो थोड़ा सीधा लगता है लेकिन थोड़ा उसका प्रकाश डाल सकते हैं आप? हाँ वैसे वो ये है ना कि भगवत गीता को साउंड इनकार्नेशन इसलिए बोला है क्योंकि वो भगवान की इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर वो भगवान की इंस्ट्रक्शंस हैं। और भागवतम को साउंड रिप्रेजेंटेटिव इसलिए बोला है क्योंकि वो भगवान का फॉर्म है, इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो वो भगवान के फॉर्म और पास्ट टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रही है भागवतम। भागवतम में बता रही है भगवान, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि गीता भगवान के द्वारा बोली गई है और भागवतम भगवान के बारे में बोली गई है। नाउ दैट्स द डिफरेंस। इसलिए साउंड इनकार्नेशन है और साउंड रिप्रेजेंटेटिव है, ये फ़र्क है बस। तो एनीवे इसलिए दोनों किताबों की ज़रूरत है, हमें जानना है कृष्णा कौन है और हमें जी जानना है कृष्णा हमें क्या बताना चाहते हैं, दैट्स ऑल। दोनों को अलग नहीं कर सकते,
इसीलिए ये संसार भी ऐसी बना है, नहीं नेम एंड फॉर्म यही बना है ना। संसार में दो ही चीज़ें हैं वैसे तो, आपका वो टेबल है, चेयर है, लोग हैं, ये है वो है। भागवत हम कह रहे हैं दो ही चीज़ें हैं भैया, हम कैटेगराइज दो ही में कर रहे हैं, नेम एंड फॉर्म। हर चीज़ का कोई नाम है और हर चीज़ का कुछ ना कुछ रूप है, यही है ना। ये आपका नाम है, आपका रूप है, इसका नाम है, इसका रूप है, इसका नाम है, इसका रूप है। तो ऐसे ही भगवान का नाम है, और भगवान का नाम मतलब भगवान के उपदेश हैं, कुछ बोल रहे हैं वो, और उनका रूप है। तो किसी चीज़ की भी आइडेंटिटी पूरी पता लगाने के लिए दोनों चीज़ें होती हैं, नाम और रूप। अब गीता से हमें क्या पता लगेगा, भागवतम से पता लगेगा कि भगवान का रूप, गुण और लीला क्या है। और गीता से क्या पता लगता है, गीता से पता लगता है कि भगवान का मन क्या है, यानी इंस्ट्रक्शंस यही हो गई, भगवान क्या सोचते हैं। तो इसलिए, और इसलिए भगवद गीता साउंड इनकारनेशन है और भागवतम साउंड रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों की ज़रूरत है। हमें पता लगाना है भी कृष्णा कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं और क्या सोचते हैं, तब उनकी पूरी आइडेंटिटी हमें पता लग गई। अगर एक भी मिस कर देंगे तो वो पूरा पर्सन हमें पता ही नहीं लगा, वो दिखता कैसे, यहाँ सुंदर है, लंबा है 6 फीट का, ये है, क्या सोचता है वो पता नहीं, तो आपको पता ही नहीं बंदा क्या है। ये तो पता लगाओ भाई क्या है, अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, तब तो उससे फ्रेंडशिप करेंगे। सिर्फ ऐसे थोड़े ना कि लंबा है, 6 फीट हाइट है और ये है, और दूसरी तरफ आपको पता लग गया हाँ भाई वो एक लड़की है, उसे शादी करनी है, बड़ा अच्छा सोचती है, सब कुछ है, हाँ दिखती कैसे वो पता नहीं, क्या हाइट है वो भी नहीं पता, चलते कैसे वो भी नहीं पता, तो कैसे कर लें शादी भाई। दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए ना। आप फोटो भी देखते हो, फिर बात भी करते होते है, होते नहीं होते, पहले तो नहीं होता था, मगर पहले फ़ोटो कुछ नहीं देखते थे, पहले शादी फिक्स हो गई, बस सुहागरात में पता लग रहा है घूंघट खोल, ओ ये है, ठीक है, हरे कृष्णा, ऐसे ही होता था पहले, कुछ नहीं होता था। मगर अब देखोगे, बात करोगे, कोई भी फ्रेंड बनाना है, सो दैट्स हाउ इट्स अ सिस्टम इज। तो कृष्ण को अपना फ्रेंड बनाना है तो आप उनको देखोगे, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कैसे लगते हैं, हैंडसम हैं, क्या है, क्या अट्रैक्टिव हैं, क्या है, क्या वो भ्रम संहिता में कि करोड़ों कामदेव भी कंधार पकोटिकम ने, इतने अट्रैक्टिव हैं कि करोड़ों कामदेव भी उनके उनके रूप से आकर्षित हो रहे हैं। ओके गुड, दैट्स नाइस। अब वो सोचते कैसे हैं, क्योंकि इज ऑलवेज थिंकिंग सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, या हमेशा अपने व्रजवासियों के बारे में सोचते हैं, हमेशा गोपियों के बारे में सोचते हैं, तब पता लगेगा ओके दिस इज़ अ पर्सन, तब आप उनको अच्छी तरह सर्व कर पाओगे। हम सेवक हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भोगी नहीं हैं, हम भगवान पे उनको उनके सरदर्द करने नहीं गए हम, कि कृष्णा हम आपके पास आ गए, हम आपकी शरण में आ गए, अब आप ध्यान रखिए हमारी, ये भक्ति नहीं है। हम भगवान के पास गए हैं भगवान का ध्यान रखने के लिए, हम इसलिए नहीं गए कि आप हमारा ध्यान रख लीजिए। अगर वो मेंटालिटी, फिर भगवान को जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे जा रहे हो भगवान हमारा ध्यान कर लीजिए, तो फिर क्या जानने की ज़रूरत है नहीं, फिर तो ठीक है आप हमारा ध्यान रखिए, फिर तो उनको आपको जानना है। भगवान आप थोड़ा हमें समझने की कोशिश कीजिए तभी तो हमारा ध्यान रखेंगे, बट दैट्स अ बैड थिंग। शरणागति मतलब हम भगवान को समझ रहे हैं कि हम उनका ध्यान रखें, उनकी अच्छी तरह सेवा कर पाएँ उनकी इच्छाओं के अनुसार। सो इसलिए दोनों बुक्स चाहिए। जिस अगर आप भागवत गीता नहीं पढ़ोगे तो फिर तो भागवत तो आधा आधा मुर्गी हो जाएगी। दोनों में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, भागवत गीता और भागवतम। और दोनों किताबों में एक्सपर्ट होने का तरीका क्या है, कई काफ़ी तरीके हैं, बट एक बेस्ट तरीका क्या है, दोनों बुक में एक्सपर्ट होना आपको, तो आप पढ़ो, बट उसका बेस्ट तरीका चैतन्य चरितमृता, कि चैतन्य चरितमृता में दोनों को मिक्स करके हमें फाइनल कंक्लूजन्स दिए, कृष्णा क्या कह रहे हैं और क्या दिखते हैं, दोनों को उठा के आप मिक्स कर लो तो वो बन जाएगी चैतन्य चरितमृता। तो या तो दोनों किताबें पढ़ लो या एक बुक पढ़ लो चैतन्य चरितमृता, तो वो सारा क्लियर हो जाएगा आपको, ये तरीका और कुछ नहीं। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी तरह से एग्जांपल देके समझाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट।
हरे कृष्णा। मुझे एक छोटा सा डाउट था, मैं सॉरी बीच में आ रही थी दामदा जी, आई एम सॉरी। बाबूजी इसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला जो वर्स है सेवंथ वाला, उसमें पर्पट में लाइन लिखी हुई है, वैदिक ग्रंथों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर एक है, किंतु वे अपने अनन्य भक्तों के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में लगे रहते हैं और उसी के साथ साथ बलदेव के अंश के रूप में परमात्मा की तरह सभी जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। बाबूजी बलदेव के अंश के रूप में, बलदेव मतलब बलराम जी, बलराम जी का ही अंश, कृष्णा का अंश, कृष्णा का एक्सपेंशन है बलराम जी, एक्सपेंशन है प्रकाश है ना, या विलास अवतार जो भी है, और बलराम जी के अंश हैं संकर्षण वैकुंठ में, और संकर्षण जी के अंश हैं फिर उसके बाद शिरोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, महाविष्णु है ना, तीन है ना। सो शिरोदक्ष, हाँ विष्णु, हाँ तीर्थ, हाँ तो तीनों संकर्षण जी के एक्सपेंशन है वैकुंठ में है ना। तो और फिर जो शिरोदक्षा विष्णु है वो ही परमात्मा के रूप में सबके हृदय में। हाँ 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 हाँ, तो इसलिए इफेक्टिवली बलराम जी ही परमात्मा के रूप में सबके हृदय में। और दूसरा, भगवान सोचते कैसे हैं एक्चुअली, क्या नाम जितनी बार भागवत गीता निकाल के पढ़ते हैं उतनी बार लगता है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे समझ सकते हैं भगवान को? वेल, वो क्या सोचते हैं? भगवान क्या सोचते हैं वो तो आपको गीता भी पढ़नी पड़ेगी, और गीता में जो भगवान कह रहे हैं मुझे ये अच्छा लगता है ये अच्छा नहीं लगता, हमें पता लग गया भगवान क्या सोचते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। कृष्णा कह रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, कृष्णा कह रहे हैं मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे हर चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है जिसमें यज्ञ और तपस्या है। सो ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करते हैं हर चीज़ में यज्ञ, कुछ ना कुछ जो भी हम करें उसमें कुछ ना कुछ त्याग होना चाहिए और कुछ ना कुछ तपस्या होनी चाहिए, त्याग मतलब यज्ञ, और कुछ ना कुछ तपस्या होनी चाहिए तब कृष्ण को मज़ा आएगा। अगर आप चैंटिंग कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ त्याग होना चाहिए, क्या त्याग होना चाहिए कि फालतू की चीज़ मत सोचो, और कुछ ना कुछ तपस्या होना चाहिए कि भाई हम वो टाइम निकाल के थोड़ा ध्यान से जप करें, है नहीं, तपस्या हो गई तब कृष्ण को मज़ा आएगा आपकी चैंटिंग में। अगर कोई ऐसी चैंटिंग उठा के हरे कृष्णा कुछ भी करता रहे तो क्या मज़ा आएगा? सो हमें पता लग गया, कृष्णा कह रहे हैं कि सतोगुण का खाना खाओ है ना, रजोगुण तम, तो कृष्ण वैसे सोचते हैं तो हमें छलते, कृष्णा कह रहे हैं सत्य का पालन करो, शौचम का पालन करो, कृष्ण को ये अच्छा लगता है तो हम वो करते हैं, तो गीता से काफ़ी कुछ पता लग जाएगा कृष्णा क्या सोचते हैं। और फिर अगर आपको और पता लगाना है क्या सोचते हैं तो श्रीमद् भागवतम में भगवान की जो भक्तों से डीलिंग्स हैं उनको आप देखोगे तो पता लगेगा क्या सोचते हैं, जब कुछ भक्त कुछ कर रहा है तो भगवान कैसे रिएक्ट कर रहे हैं ऐसे ही पता लगता है ना। किसी आदमी को देखते हो कि वो क्या कर रहा है तो पता लगता है भैया ऐसा नहीं करेंगे हम, गुस्सा हो जाएगा, है नहीं? आपने किसी को देखा भाई किसी ने उसके पैर छू दिया, उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा मेरे पैर क्यों छूए, तो फिर आप क्या करोगे? ओके भैया हम नहीं छूएंगे, हाँ भैया हम नहीं छूएंगे, उसने छू दिया, गुस्सा कर दिया, उनको अच्छा नहीं लगता इसका मतलब। तो भक्तों से जब हम डीलिंग्स पढ़ेंगे भागवतम में तो हमें और डिफ्ट में पता लगेगा कृष्णा एक्चुअली कैसे रिएक्ट करते हैं चीज़ों को, कैसा सोचते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, और फिर हमें पता लग जाएगा, फिर हम वो चीज़ें नहीं करेंगे जो उनको बुरा लगता है और वो चीज़ें करते रहेंगे जो अच्छी लगती है। दैट्स ऑल, खत्म। एक्चुअली भागवतम में बार बार रिपीटेडली ये हुआ कि जब भी उसको कोई मैरिज सेरेमनीज होती हैं तो राजा अपनी राजकुमारी को बहुत सारे उसमें दौरी में गाय और ये सब तो देते ही हैं जो कॉमोडिटीज होती है, लेकिन उसमें एज अ कॉमोडिटी
लगता है, सबसे लगता है जो राजकुमारी की कई हजार दासियों को दी भेजा जाता है, तो ये समझ में नहीं आता है कि क्यों उनको एज अ कमोडिटी उनको यूज किया जाता है, क्योंकि उनके भी तो अपने कुछ ड्रीम्स या एस्पिरेशंस हो सकते हैं। वेल, वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है अपने ड्रीम्स एस्पिरेशंस, वो दासियां हैं, उनकी लाइफ ही है कि अपनी रानी को सर्व करना, और वो ऐसी जीती हैं और ऐसी मर जाती हैं, दैट्स ऑल। मतलब ये वैदिक है, वो उनके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस, वो एक्चुअली जब तो उन्होंने प्रोफेशन ही ऐसे लिया होता है, उनको किसी ने फोर्स थोड़े ना किया दासी बनने को। जब वो दासी बनने आती हैं तो उनसे बोला जाता है, देखो तुम्हारी लाइफ अब नहीं है अपनी, तुम्हारी लाइफ केवल रानी के लिए है, तुम्हें जीना भी है मरना भी है, तुम तैयार हो? तो वो कहते हैं हाँ भी हम तैयार हैं। जैसे जैसे जो 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 देशभक्त नहीं होते, देशभक्तों की अपनी लाइफ थोड़ी ना होती है, जो भारत के लिए मर गए तो अब उन्होंने फोर्स किया, उन्होंने खुद ऑप्ट किया हम देश के लिए करेंगे। ऐसे ही वो कहते हैं कि भी अपने तो हमारे जो राजा रानी है हम उनके लिए अपना जीवन त्याग कर रहे हैं, तो वो वॉलंटरीली ऐसे, वो उनकी निष्ठा से आता है, वो कोई फोर्स से नहीं है। जिसके ड्रीम्स हैं वो दासी, वो रानी कहेगी तुम्हारे ड्रीम्स हैं तो वापस चली जाओ, क्या प्रॉब्लम है, हमने कोई तुम्हें पकड़ के थोड़े ना रखा है। कोई स्लेवरी थोड़ी ना थी वहाँ पर, स्लेवरी नहीं थी वो निष्ठा थी, वो हाँ वो भक्ति थी उनकी राजा और रानी के प्रति, वो ऐसा रहते थे। हाँ मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर तरह से आज लेक्चर दिया प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि भक्त लोग बहुत बार भक्त लोग हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं चीज़, हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, तो जैसे कि भगवान भी भक्तों का अटैचमेंट खत्म करने के लिए छीनते हैं, मतलब बहुत बार जैसे वेल्थ या फिर एनी अदर फॉर्म, तो भौतिक जैसे भौतिक मटेरियल चीज़ हम लोग ऑप्शन जाते हैं, लेकिन मैं पूछ रही हूँ जैसे बहुत भक्त लोग भक्तों का संग भी छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको हो सकता है अब भक्ति में या तो बाधा आ रही है कुछ, या फिर या तो कोई और रीज़न हो सकता है, तो ये भी जो लोग छोड़ के जाते हैं वो भी क्या जैसे बोलते ना कृष्ण के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता, तो कृष्ण की इच्छा से ही वो मतलब भक्त का संग छोड़ देता है क्या, या फिर कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की इच्छा थोड़ा ना छोड़ेगा वो भक्त, भक्तों का संग वो तो जैसे कि प्रभु जी जैसे कि मटेरियल चीज भगवान जी अटैचमेंट की वजह से छीन लेते हैं, मगर ऐसे भक्तों का संग थोड़ा ना छीनते हैं, ऐसा नहीं होता, वो तो उसकी पागल बनती है, वो पागल हो गया जो भक्तों का संग छोड़ दिया, वो माया की वजह से, वो माया की वजह से है, वो कृष्ण की वजह से नहीं है, वो माया छीनती है, वो भगवान कुछ नहीं कर रहे, माया हटाती है उसकी अटैचमेंट, स्पिरिचुअल अटैचमेंट। तो जैसे स्पिरिचुअली अगर एडवांस कर रही है डिवोटी और उनके जो बाधा आ रही है जैसे अगर फैमिली या फिर वर्क या फिर और कुछ जो बाधा आती है वो भक्तों का संग या फिर और कोई चीज में वो उस वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेट होके आदि छोड़ दिया भक्ति को, नहीं वो सब माया है, वो सब दैट्स ऑल। अगर अगर भगवान की इच्छा होगी तो कोई ना कोई वो सॉल्यूशन भी निकाल देंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में जिसका सॉल्यूशन नहीं है, भगवान अपनी मर्सी से सारे सॉल्यूशंस देते हैं, बट वी माइट हैव टू वेट फॉर द सॉल्यूशन, दैट्स द थिंग। नहीं नहीं वो सब आपको अभी तो बेसिक्स क्लियर नहीं है, माया तो माया रोकती है हमें, माया का काम रोकना है, भगवान के अंडर काम कर रही है मगर भगवान ने बोला है कि तुम्हारा काम है इनको रोकना, दैट्स द होल आइडिया। जैसे अगर कोई नियोफाइट डिवोटी है तो नियोफाइट डिवोटी के
न्यूफाइट डिवोटी के मार्ग में माया बाधा डालती है कि एडवांस डिवोटी के भी डालती है? सबके 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 रास्ते में माया डालेगी, सबके रास्ते में। अगर एडवांस डिवोटी को कुछ होता नहीं, न्यूफाइट डिवोटी को हो जाता है। तो इसका क्या उपाय है, मतलब माया से कैसे? इसका उपाय है चैंटिंग करें हम अच्छे से, चैंटिंग करेंगे, डिवोटी एसोसिएशन ले लेंगे और प्रे करेंगे तो बचे रहेंगे। और इतना आसान नहीं है इससे बचना, वी हैव टू कंटिन्यूसली प्रे, चैंट, एसोसिएट, तब होगा। ओके 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 थैंक यू ब्रदर जी। हरे कृष्णा।